चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित कर वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया और उन्हें याद किया तथा वंदे मातरम गाकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान प्रदेश के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने भी शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। इस मौके पर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, बांसगांव विधायक विमलेश पासवान, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP DIG जोगेंद्र कुमार, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, SDM चौरी चौरा पवन कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया है, आइए समवेत स्वर में वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। मेरे साथ बोलिए वंदे वंदे वंदे, और एक बार अपने स्थानों पर ही जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए इस वातावरण में आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में इस वातावरण को गुंजायमान करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत ही विशेष है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अपने करकमलों से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, जो कि आज से लेकर एक वर्ष तक विभिन्न कार्यक्रमों के और विभिन्न आयोजनों के माध्यम से यूं ही चलता रहेगा। उसमें प्रतिभागिता हमारी और आपकी सबकी होगी। तो इस शुभारंभ के लिए, इस सुंदर आयोजन के लिए और इस सोच के लिए और वंदे मातरम का गान हम सब एक साथ करेंगे। आइए भारत माता के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मातरम।